दोस्तों अभी 15,000 रुपीस के अंदर बहुत गोलमाल हो रहा है। जब से Redmi उसका Note 7 Pro लॉन्च किया है तब से हर कोई ब्रांड एक ना एक स्मार्टफोन लॉन्च करने में लगा है जो कि Redmi Note 7 Pro को कड़ी से कड़ी टक्कर दे सके, वो भी 15,000 रुपीस के अंदर। तो Asus कैसे पीछे रह सकता है? Asus ZenFone Max Pro का जो सीरीज है वो Redmi Note सीरीज को बहुत टक्कर देता है। Asus ZenFone Max Pro M1 Redmi Note 5 Pro को कड़ी से कड़ी कर दिया था। Asus ZenFone Max Pro M2 Redmi Note 6 Pro को कड़ी से कड़ी टक्कर दिया था। अभी Redmi Note 7 Pro लॉन्च हो गया है तो Asus ZenFone Max Pro M3 भी लॉन्च होगा और बहुत सारे लीक्स निकल के बाहर आया है और मेरे एक्सपेक्टेशन है उसी के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा इसका सारे स्पेसिफिकेशन, किस प्राइस में आ सकता है एंड इंडिया में कब लॉन्च होगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और इस वीडियो की लाइक टारगेट रखते हैं 200 लाइक्स का, उम्मीद है आप लोग पूरे कर दोगे। So guys, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बात करते हैं पहले बैटरी के बारे में, क्योंकि Asus ZenFone Max Pro का जो सीरीज है वो ज्यादातर बैटरी के ऊपर ध्यान देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको 5000 mAh की बैटरी मिलेगा जो कि Asus ZenFone Max Pro M1 M2 में भी देखने को मिला था 5000 mAh की बैटरी। साथ ही साथ यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग सॉकेट मिलेगा, आउट ऑफ बॉक्स फास्ट चार्जर भी मिलेगा और यहाँ पे USB टाइप सी भी आएगा। बहुत सारे स्ट्रॉन्ग रूमर्स है और मेरे एक्सपेक्टेशन भी है। आप बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में। दोस्तों 15,000 रुपीस के अंदर 3 प्रोसेसर है जो कि Redmi Note 7 Pro को कड़ी से कड़ी टक्कर दे सके। एक तो है Qualcomm Snapdragon 675 जो Redmi Note 7 Pro में ही है, और दूसरा है Qualcomm Snapdragon 710 चिपसेट, और तीसरा है Qualcomm Snapdragon 712 चिपसेट। तीनों चिपसेट लगभग सेम है और मुझे लगता है 15,000 रुपीस के अंदर इन तीनों चिपसेट से एक चिपसेट आपको Asus ZenFone Max Pro M3 में देखने को मिलेगा और ये चिपसेट आने के बाद Redmi Note 7 Pro को कड़ी से कड़ी टक्कर दे पाएगा। आप बात करते हैं कैमरास के बारे में। दोस्तों लीक्स के अनुसार बताया जा रहा है कि यहाँ पे आपको बैक साइड की तरफ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप आएगा, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप नहीं मिलेगा, वही आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा जो प्राइमरी सेंसर होगा 48 मेगापिक्सल का जो आपको Redmi Note 7 Pro में देखने को मिलता है, Sony IMX586 का सेंसर वही आपको 12 मेगापिक्सल होगा, लेकिन गाइस थोड़ा पिक्सल बाइंडिंग करके सॉफ्टवेयर में थोड़ा डेवलप करके वही आपको 48 मेगापिक्सल देगा, तो नाम का 48 मेगापिक्सल होगा। फिर भी 48 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा मिलेगा। सेल्फी कैमरा में यहां पे आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा, 20 मेगापिक्सल तो छोड़ो नहीं मिलेगा, 16 मेगापिक्सल आप रख सकते हो, उम्मीद रख सकते हो 16 मेगापिक्सल ही मिल जाएगा। आप बात करते हैं डिजाइन के बारे में। दोस्तों Asus ZenFone Max Pro M1 में मेटल बॉडी था, M2 में पॉलीकार्बोनेट था, लेकिन गाइस M3 में आपको ग्लास बैक मिलेगा वो भी कॉर्निंग कोरिला ग्लास 6 के साथ, क्योंकि M2 में आपको दिया था कॉर्निंग कोरिला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन फ्रंट साइड की तरफ और M3 में आपको दोनों साइड में कॉर्निंग कोरिला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन मिलेगा। डिस्प्ले के बारे में बात कर दो गाइस अभी तक कंफर्म्ड नहीं है। Asus ZenFone Max Pro M2 में जो डिस्प्ले देखने को मिला था सेम डिस्प्ले यहां पे मिल जाएगा, सिर्फ नॉच को छोड़ के यहां पे आपको वाटर ड्रॉप नॉच दिया जाएगा जो कि काफी अच्छी बात है, अभी ट्रेंड हो चुका है। यहां पे आपको 3 वेरिएंट देखने को मिलेगा, 3GB 32GB 4GB 64GB एंड 6GB 64GB। जो 3GB 32GB वो आपको 12 या 13000 मुझे लगता है 13000 रुपीस में मिलेगा और 4GB 64GB वो आपको देखने को मिल जाएगा 14000 रुपीस में। अगर 14000 रुपीस में आए तो Redmi Note 7 Pro को कड़ी से कड़ी टक्कर देगा, उसी के हिसाब से अगर 15,000 रुपीस में आए तो मुझे नहीं लगता Redmi Note 7 Pro को कड़ी से कड़ी टक्कर दे पाएगा, एक कदम आगे रह जाएगा Redmi Note 7 Pro अगर 15,000 रुपीस में M3 आए, मुझे लगता है 14,000 रुपीस में मिल जाएगा। आप बात करते हैं इसका लॉन्च डेट। दोस्तों 2 महीने के अंदर आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है, क्योंकि Asus ZenFone Max Pro M2 का प्राइस बहुत ही घटा दिया है और आप जानते हो जिस स्मार्टफोन का प्राइस घट जाता है उस टाइम आपको समझ लेना है कि उसका सक्सेसर बहुत ही जल्दी आ रहा है, तो M3 बहुत ही जल्दी आ रहा है, 2 महीने के अंदर आ जाएगा, मेरी तरफ से कॉन्फर्म्ड है, आप मान सकते हो। अगर आप Asus का फैन हो, Asus ZenFone Max Pro M3 के लिए रुके हुए हो तो
थोड़ा दिन रुक जाइए, आपके लिए बेटर स्मार्टफोन आ रहा है आसूस की तरफ से। ऐसे भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कब आ सकता है, किस प्राइस में आ सकता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और उसके साथ ये भी बताना कि Asus ZenFone Max Pro M3 के लिए आप वेट कर रहे हो या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाना, उसके साथ शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब तो मस्ट है, उसके साथ बेल आइकन को भी बजा देना। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक हमारे साथ बोलते रहिए भारत माता की जय।